हेलो फ्रेंड्स, देखिए व्रत में तो सभी बनाते हैं साबूदाना कटलेट, और आज मैंने आपके लिए कुछ न्यू ट्राई किया है जो बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, समटाइम्स होता है ऐसा है कि हम भूल जाते हैं साबूदाना भिगोना, और बिना भिगोए साबूदाने से एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो पर प्लीज़ एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने ले लिया है 2 बॉयल्ड पोटैटोस, 1/4 कप पीनट्स और 1 कप साबूदाना। तो फ्रेंड्स, हम अपने साबूदाना और मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से होता ये है कि जो हमने जो इनका मॉइस्चर होता है ना, वो निकल जाता है और आपका बहुत अच्छा सा पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमें इनको 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर रोस्ट करना है, हमें सिर्फ इनका मॉइस्चर निकालना है। तो ये हमारे हो गए हैं रोस्ट, और इनको कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि हमें इसको करना है ग्राइंड। तो इससे पहले हम अपने जो मैं हमारे बॉयल पोटैटोज थे उनको मैश कर लेते हैं, या फिर ग्रेट कर लीजिए। तो इधर हमारा पाउडर भी रेडी हो गया है, साबूदाना पाउडर और पीनट्स पाउडर भी हम बना लेते हैं। तो देखिए, हमारा पीनट पाउडर भी एकदम रेडी हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सो फ्रेंड्स, ले लीजिए एक आप बाउल, उसमें आप डालिए बॉयल पोटैटोज। बॉयल पोटैटोज के बाद आप इसमें ऐड कीजिए साबूदाना पाउडर और साथ में पीनट। तो अब हम इसमें फ्रेंड्स, अगर हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम जो व्रत में खाते हैं वही चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे मैंने इसमें जिंजर और ग्रीन चिली ऐड किया है, और साथ में इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, तो बहुत अच्छा सा क्रंची से टेस्ट आएगा। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, अगर आप खाते हैं व्रत में तो ही ऐड कीजिए। और साथ में जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको हाथों से अच्छे से गूंद लीजिए, मींस इसमें हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ी सी आवश्यकता हो तो आप डालिए, अदरवाइज ही इसमें ही आलू के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, जिससे कि जो हमारा बैटर है वो बहुत अच्छे सा बन के तैयार हो जाएगा बिना पानी के। अगर आपको नीड है तभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, अदरवाइज नो नीड। तो देखिए, हमारा बहुत अच्छे से डो बनकर तैयार रेडी हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा घी से ग्रीस कर देंगे और इसको रख देंगे। सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट ही रखिए रेस्ट के लिए, ज़्यादा टाइम अगर नहीं रख सकते इसको। तो मैं इसके 2 पार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि तो मैं 1 से बनाऊँगी नगेट्स और 1 से बनाऊँगी और कुछ। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा लिया है, इसका टुकड़ा एक पीस ले लीजिए और फ्रेंड्स दे दीजिए इसको नगेट्स की शेप। अगर आप चाहते हैं टिक्की या फिर कटलेट बनाना तो आप उनकी भी शेप इसको दे सकते हैं, वड़ा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रंची फ्लेवर आएगा, क्योंकि जो हमने साबूदाना डाला है तो उसको बिल्कुल बारीक ना पीस कर थोड़ा हल्का सा दरदरा ही रखिए, तो जिससे कि इसका बहुत ही टेस्टी और क्रंची फ्लेवर आएगा। तो ऑयल गर्म कीजिए और डाल दीजिए अपने नगेट्स इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, आपको इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है, आप इसको मीडियम हाई फ्लेम पर ही कुक कीजिए। तो देखिए, इसको थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, बट ये बहुत अच्छा और टेस्टी बनकर रेडी होता है। आप व्रत में इसे इंजॉय कर सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, या फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, कि आपका 3 से 4 दिन तक आराम से चल जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसको खाने के बाद आपको ये देखिए, हमारा कितना अच्छा क्रंची सा नगेट्स बनकर रेडी हुआ है। आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ, जैसे कि मूंगफली की चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या मैं इसको धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।